गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडिविजुअल्स पावर। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, अगर हमें अपना ड्रीम को अचीव करना है तो आपका अंदर खुद को पावर को पहचानना पड़ेगा। जब तक हमारा अंदर में जो पावर है हम पहचानेंगे नहीं, तो अपना ड्रीम को पूरा नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो माइंड है वो किस टाइप का सोचता है और कैसे हेल्प करता है हमारा ड्रीम को अचीव करने के लिए। हमारा माइंड दो कैटेगरी में सोचता है, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस मीन्स चेतन, मीन्स जब हम जागते समय कोई प्लानिंग करते, अभी मैं कुछ प्लानिंग करूंगा यहाँ से मुझे मुंबई जाने के लिए, तो हो गया सबकॉन्शियस माइंड का प्लानिंग। सबकॉन्शियस माइंड कैसा होता है, वो अवचेतन होता है। जब हम सोते रहते हैं, सो जाते हैं, कुछ पता नहीं रहता है, तो वो हमारा माइंड का जो सबकॉन्शियस माइंड का पावर है वो यूटिलाइजेशन होता है। अगर हम उसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे, दिन भर हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी पॉजिटिव सोचेगा हम सोने के बाद, तो वो हमें हेल्प करेगा अपना ड्रीम को पूरा करने के लिए। एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि वो सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारा ड्रीम को पूरा करता है। एक लेडीज मारिया करके होगी, वो कुछ घूमने के लिए पेरिस गई होगी, तो पेरिस में जब वो घूमता घूमता देखा कि एक शॉपिंग मॉल में एक हैंडबैग उसको मिली होगी, तो वो हैंडबैग उसको बहुत अट्रैक्टिव लगा, तो वो उसका खरीदने के लिए गया। तो उसका प्राइस जब देखी तो प्राइस थोड़ा ज्यादा था, वो खरीद नहीं पाई उस टाइम। तो वो सोचा कि मैं उसको नेक्स्ट मंथ जब आऊंगा उसको खरीद लूंगा, पैसा लेके आऊंगा, तो सोच के रिटर्न आ गया। कुछ टाइम के बाद उसका बॉयफ्रेंड पेरिस बिजनेस सिलसिले में गया, तो उसको वो हैंडबैग्स में उसका नजर आएगा तो वो अट्रैक्ट था, उसको भी पसंद आ गई। वो सोचा कि मेरा गर्लफ्रेंड का नेक्स्ट मंथ में बर्थडे है तो मैं इसको उसको गिफ्ट कर दूंगा, तो खरीद लिया। जब रिटर्न आया तो उसका गर्लफ्रेंड का बर्थडे के डे उसको गिफ्ट किया। जब वो गिफ्ट देखा तो सबके मरिया को समझ में आ गई कि ये वही बैग है जो बैग को वो खरीदने के लिए चाह रहा था, बट पैसा के वजह से खरीद नहीं पाया था। तो सारे कहानी वो बॉयफ्रेंड को बताया। तो इससे हमें ये पता चलता है, अगर वो सोचा था, सबकॉन्शियस माइंड ने सोचा था ये बैग मेरा है, तो दूसरा कहीं खरीद नहीं पाया था, क्योंकि वो बैग के नाम पे मारिया का ही नाम था, तो वो बैग घूमते घूमते मारिया के पास आ गया। तो अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड को हम पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे, ये हमारा ड्रीम को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा तो प्लीज एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को बजाइए ताकि मेरा दूसरा वीडियो आपको मिल पाए। और मेरा रिक्वेस्ट ये है, अपना सबकॉन्शियस माइंड का पावर को पहचानो और जेएसपी मुर्कु करना ऑथर का सबकॉन्शियस पावर आपका सबकॉन्शियस माइंड का बुक पढ़ो, ताकि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी मिल पाएगा और ये आपको हेल्प करेगा अचीव करने के लिए। थैंक यू।